नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बटाला में नगर निगम चुनाव का अखाड़ा गर्मा चुका है। हर एक उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटा है। वहीं बटाला में चुनाव को लेकर झगड़े भी होते दिखाई दे रहे हैं। बटाला के वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत कौर के पति दविंदर सिंह पर आज कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान तो बच गई लेकिन गंभीर रूप से वे जख्मी हो गए। वहीं जख्मी दविंदर सिंह पारिवारिक सदस्यों के आरोप हैं कि हमला करवाने में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के बेटे बलवीर सिंह बिट्टू का हाथ है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही अगली कार्यवाही करने की बात कहते दिखाई दिए। वहीं जख्मी दविंदर सिंह के पिता सुखदेव सिंह का कहना था कि उनका बेटा दविंदर सिंह अपनी वार्ड 37 नंबर में अपनी पत्नी जो कांग्रेस की उम्मीदवार है के हक में चुनाव प्रचार कर रहा था और वह अकेला ही डोर टू डोर लोगों से वोट की अपील कर रहा था। तभी दो गाड़ियों में सवार लोगों ने अपनी गाड़ी दविंदर सिंह के मोपेड में मारकर दविंदर सिंह को गिरा दिया और उस पर तेज धार हथियारों से हमला करते हुए उसे गंभीर जख्मी कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमला करने वालों में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार का भतीजा भी शामिल था और यह हमला शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के बेटे बलवीर सिंह बिट्टू के इशारे पर किया गया है। भाई कटराए तो है कि मेरा बेटा जरा ना वोटा मंगन जा रहा है तो फोन आया कहे कि तू कला आई कला जा रहा है। मेरी वाइफ गुरप्रीत कौर वार्ड नंबर 37 तो कैंडीडेट सी ते बलबीर सिंह बिट्टू के जोड़े बंदे ने उहदा खुद भतीजा नाल सी, कोई गुरु नानक नगर दे कुछ एक ड्राइवर मुंडा शास्त्री नगर का जी जगबूर का, जिन्हां ने कि उहदे विच गड्डी मारी, दो गड्डियां दे विच सवार सी बंदे ते स्कूटरी ते सी, मगर उह गड्डी मार के इहने थले सुट्टा। सुटने बाद बंदे जोड़े पांच सात दिन मगर पै गए, जरा डिगन भजन के नाल ठेका लगा जान बचाने लगा ही तो वह फिर उत्ते चढ़ के इन्हों के दातर जो कृपाना जो डंडे इन्हें मार के मेरे बड़े बेहोश करके सुट गए। कहते हुण मारता इन्हों लड़े इलैक्शन, ये सारी साजिश जी है बलबीर सिंह बिट्टू की है, क्योंकि वह उसकी माता खलोती साढ़े आपोजिट अकाली दल वालों, अं कांग्रेस वालों अकाली कैंडीडेट हाँ और हार की बखलाफ वेख के इन्हें साढ़े मगर कल परसों ही बंदे लाए थे कि जेडे ये मुड़े नू कल्ले नू वेख के तो इनू सट्टा ला गए। प्रशासन अं प्रशासन मंग ये हुई है कि अगे भी इन्होंने गोली चलाई सी तो इन्होंने उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुण अं पूरी फुल योर अपील करते प्रशासन कि इन्हों तो व सजा दे परचा जरा इन्हों उत्ते हुए इन्हों की गिरफ्तारी जल्दी तो जल्दी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो इन्हों इलैक्शन दिन सानू जानी मारदा खतरा इन्हों। वहीं शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के बेटे बलवीर सिंह बिट्टू का कहना था कि वह वार्ड नंबर 16 में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनको इस घटना की इत्तला मिली। हमले के दौरान उनका भतीजा जो उनके साथ वार्ड नंबर 16 में मौजूद था, इस झगड़े का कारण उसकी आपसी किसी के साथ पुनारी रंजिश है। बिना वजह से इस हमले में हमारा नाम जोड़कर सियासी रंगत दी जा रही है। गुरदास पिंड दविंदर सिंह उहदा झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उसनू सट्टा भी लगियां ने, पर इस जड़ा झगड़ा होया है ये मैं हुण मौके ते इत्थे आया भी हाँ, इत्थे आ के लोगों नू पुछया भी आ, लोगों ने जो मैनू दस्या भी आ, ये दविंदर सिंह जिहड़ा जगरूप सिंह है उन्होंने कोल अज तो साल डेढ़ साल पहलों लगभग 6-7 महीने ड्राइवरी करता सी, 2-4 साल पहलों इन्हों को ड्राइवर रहा और इन्हों की आपसी कोई रंजिश आ दोवां परिवारां दी, वो मैनू नहीं पता भी कि रंजिश है, पर कोई रंजिश गंभीर है जिदे ते इहदे ते दविंदर सिंह ते कोई करैक्टरलैस दे इल्जाम भी लग रहे ने, उस रंजिश के तहत ही अज इस सट्टा लगियां ने, पर सियासी रंगत इस झगड़े को जिहड़ी दित्ती जा रही है वो नहीं देनी चाहिए। इलैक्शन पूरी अमन मान नाल लड़ रहे हैं, असी अपने वार्ड में कंपेनिंग कर रहे सी, मेरा कोई भी भरा भतीजा इस वार्ड में कोई कंपेनिंग नहीं अज कर रहा और ना ही इत्थे सीगे, सारे मेरे नाल वार्ड नंबर 16 दे विच सी।
तो इस करके इनू सियासी रंजिश दे विच जां सियासी मुकाम ते आ के इहो जिहियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। जिहड़ा झगड़ा होया वो सारे महल्ले नूं भी पता वा, इत्थे रिकॉर्डिंग भी होई है, सात थां कैमरे लगे ने। जेकर मेरा कोई बच्चा, मेरा भरा, मेरा भतीजा इस लड़ाई विच शामिल दस्सिया जांदा जां उहदे विच कैमरे चों निकल आउंदा ते मैं आप उहदा कन्न फड़ के पुलिस नूं पेश कर देंगा ते मैं उहदे मगर नहीं आवांगा। ये मैं तुहानूं सारिआं नूं दसदा। पर इहनूं जिहड़ी आपसी रंजिश नूं सियासी रंजिश दे विच ना बना के कोई झूठा परचा जिहड़ा वा ना उह ना कीता जावे, मेरी पुलिस प्रशासन नूं इह पुरजोर बेनती है। वहीं पुलिस अधिकारी परमिंदर कौर का कहना था कि इत्तला मिली उसके बाद वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस की उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह के कौर के पति पर जानलेवा हमला हुआ। वहीं मौके पर पहुंच जांच की जा रही है और जख्मी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो कुछ सामने आएगा उसी के हिसाब से आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ये झगड़ा होया है शास्त्री नगर के बीच जिथे कि कांग्रेस के उम्मीदवार वजो लड़ रहे ने दविंदर सिंह, उन्होंने वाइफ उतों टिकट मिली है कांग्रेस की। एंड उन्हें अपने एरिए ही कैंपेन कर रहे थे कि जिथे कि कुछ लोगों ने आके उन्होंने उत्ते हमला किया, सट्टा लाइया है। बाकी अगे उन्हों की मैडिकल एग्जामीनेशन चल रहा है सिविल हॉस्पिटल के, जो भी अगे फरदर होएगा उस हिसाब ने एक्शन लिता जाएगा।